अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा होगा मिडनाइट व्लॉग पार्ट टू। तो पहले मैं फ़ैन बंद कर दूं क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है इसकी। तो हाँ, तो ये हमारा मिडनाइट व्लॉग होगा, तो हम क्या करेंगे उसमें ये दिखाएंगे। तो पहले बैठ जाऊँ फिर बात करती हूँ, तो हो जाए मेरा काम और क्या। तो इसी वजह से ये सब यूट्यूब वीडियो तो ऐसे ही चलाते हैं। तो आज बड़े दिन बाद व्लॉग बनाना हुआ, तो चलो फिर याद आया चलो मिडनाइट व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि अभी फील कर रहे हैं एनर्जेटिक, तो चलो बनाते हैं। तो कितना तो बोल रही हूँ मैं, तो खैर क्या कहते हैं, तो मैं पहले आपको दिखाती हूँ मेरे कमरे का हशर क्या हुआ है, मतलब बर्बाद हो चुका है। तो मैं दिखाती हूँ, तो ये है करंट सिचुएशन रूम की, जहाँ आपको मच्छर मारने की डिवाइस भी दिखेगी और हेडफोन तो ऑब्वियसली होगा, और ये टेबल जो भी है ना। तो ये अभी हम आके साफ़ कर लेंगे ना, रात के बज रहे हैं 2, राइट। तो लेकिन अभी जो ये सारे काम हो चुके हैं, तो अभी जो हमें एक्स्ट्रा करने हैं वो करेंगे। एक्स्ट्रा मीन्स अभी मुझे कुछ प्रिंट आउट निकालना है तो वो करेंगे, फिर उसके बाद 9 बजे से खाना खाएं। 6 घंटा कितना हो गया, 10, 11, 12, 1, 2, 5 घंटे हो गए। तो भूख लगी है, कुछ बनाएंगे, फिर उसके बाद मैं और कुछ दिखाती हूँ। तब तक मैं पहले ये काम कर दूँ, फिर रूम थोड़ा ठीक करूँगी, किसी पर सोना है मुझे, जो कि सोने की जगह नहीं बची हुई है, लेकिन ठीक है साफ़ करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज मैंने 2 चीज़ सीखी, एक तो प्रिंट आउट निकालना, और एक दूसरी आप सोचेंगे कितनी बेकार चीज़ है, लेकिन यस मुझे तो लगा मैं सीखी और मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि एक तो ऐसे जैसे मेरा काम अनस करता था, मसना कर देता था, तो था मेरे पास कोई करने वाला, तो मुझे नहीं सीखने की वो लगती थी, लेकिन इस वक्त तो ये लोग है नहीं, तो और मुझे ज़रूरत थी, तो मुझे सीखना पड़ा। तो मुझे टफ लगता था, पता नहीं जो भी, तो मैं खुद सीखी कि प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं, वरना ये अनस मसना ही करते थे मेरा काम, लेकिन अब वो लोग नहीं है तो मुझे सीखना पड़ा, तो अच्छा हुआ मैं सीख ली, अब मुझे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ आज मैंने क्या सीखी, दूसरी मैंने सीखी ये बल्ब लगाना, ये बल्ब मैं खुद से लगाई, क्योंकि मुझे बल्ब लगाना नहीं आता था, मैं बस देखती थी कि हाँ लोग ऐसे घुमाते हैं क्या करते हैं, लेकिन कभी ट्राई नहीं किया, डर था इलेक्ट्रिसिटी से, दैट्स व्हाई कभी ट्राई नहीं किया। तो आज ये लगाए, कैसे कैसे डर डर के लगाई मैंने, लेकिन लग गया, और डर मैं पापा से पूछी कि पापा इसको जो है बस ऐसे खोल देना है, तो कह रहे उन्हें लगा ना कि कहीं मैं बस ऐसे ही डाल के छोड़ दूँ गिर जाएगा, तो वो कह रहे मुझसे कि घुमाना भी रहेगा ना, तो कि ठीक है। तो फिर मैं ऐसे लाइट लगा के देखी कि हाँ ठीक है लग गया, खैर बताने वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी। तो आज मैंने ये प्रिंट आउट देखो कैसे कहा, थोड़ा सा मैं बताती हूँ, क्योंकि हमें गूगल करना है, क्रोम पे जाना है, व्हाट्सएप वेब पे जाना है ना, और फिर इधर से व्हाट्सएप वेब पे जाएंगे, बहुत सिंपल है। फिजूल में मैं डिपेंड थी, अच्छा हुआ सीख लिया। खैर तो फिर ये व्हाट्सएप पे आएगा, क्योंकि अभी मैं इसी फ़ोन से जो है वीडियो बना रही हूँ, तो कैसे दिखाऊँ, नहीं दिखा सकती, तो ऐसे ही बता दे रही हूँ। तो अभी ये जो आएगा स्कैन करना होगा व्हाट्सएप से, हमें इसको स्कैन करेंगे तो जो है हमारा व्हाट्सएप खुल जाएगा, जहाँ से हमें फाइल या PDF निकालना है, निकाल कर कैसे मैं बताऊँगी, कैसे मैं बता रही हूँ। हाँ तो व्हाट्सएप से हम लेकर डायरेक्ट प्रिंट कर लेंगे और ये निकल आएगा। तो अभी तो मैं फ़ोन यूज़ करने जा रही हूँ, तो ये हमारी चैट्स खुल जाएंगी, वहाँ से हम जो है PDF ले लेंगे, तो करते हैं। तो ये हमें करना ये है कि ये हमें डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद ही डाउनलोड होते ही यहाँ शो करने लगेगा आइकन पे, हमें वहाँ जाना है, ओपन करना है और ये फाइल खुल जाएगी। फिर हमें कुछ नहीं करना है, साइड में बटन होगा, ये देखो मैं ऐसे ही बता रही हूँ ना। तो ये प्रिंट पे हम जाएंगे, फिर जो प्रिंटर है आपका उस पर क्लिक करेंगे, फिर हम जो है फटाक से प्रिंट कर देंगे, और ये मैंने प्रिंट कर दिया, और ये अब ये जो है आने लगेगा कुछ देर में। कितनी बड़ी वाली गद्दी हूँ मैं, कब से बैठ के वेट कर रही हूँ कि प्रिंट निकल क्यों नहीं रहा, ये नहीं देखे कि पेज लगाया ही नहीं मैंने, तो खैर अब आओ भाई जल्दी आ जाओ, तो आप ऐसी गलती ना करें। प्रिंटेड है तो ये प्रिंट होना शुरू हो गया है और आने लगा है, जी आइए आइए। तो ये ऐसे ही होता जाएगा, काम छोड़ देते हैं, हम खाना बनाते हैं, अरे सॉरी जो खाने करना है उसको करते हैं। रुक क्यों गए भाई, तो ये अपना होता रहेगा, हम चलते हैं कुछ और करते हैं, हर चीज़ दिखाते हैं। तो आज मैं गई थी मुन्ना चाचा के यहाँ,
और हमने चेक किया था कि वहाँ कुछ पेड़ लेकर आए, क्योंकि फैन ऑन है नहीं यहाँ पे, तो क्योंकि मेरे पास वो पेड़ है नहीं तो वहाँ से मुझे लेना पड़ा। मैं दिखाती हूँ, तो ये सारे पेड़ अभी मेरे बहुत मेरा गला क्यों बैठ रहा है, तो ये पेड़ जो है मैं लेकर आई इसमें लगाने के लिए, क्योंकि मेरे पास थे नहीं। मेरा अच्छा जा रहा है सब, और मतलब नहीं होता कि और मतलब एक दो था तो दो तीन और लगा दिए ताकि ये जो है और वॉल्यूम इसका ज़्यादा लगे, समझो वैसे ही। और एक ये वाला लाई हूँ, ये मेरा फेवरेट कलर, वाह मतलब क्या कलर है इसका, मतलब ये कलर देखो पर्पल, मतलब फेवरेट कलर नहीं है लेकिन कलर बहुत प्यारा है। तो ये स्नेक प्लांट और ये पर्पल वाला पता नहीं क्या कहते हैं इसको, तो ये सारे प्लांट्स मैंने लाए हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया जा रहे हैं। तो चलते हैं अब हम किचन में, तो इस वक्त तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं खाने को, तो वही मिलेगा जो पास्ता मैगी कुछ होगा तो वही बनाएंगे। चलो बनाते हैं। तो एक साइड जो है हम पास्ता उबाल लेते हैं ना, बताने की तो ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ये व्लॉग है तो मैं बना रही हूँ तो मैं दिखाऊँ। तो एक साइड हम जो है पास्ता उबालेंगे और दूसरी साइड हम वेजिटेबल कट करेंगे, तो इतना करते हैं। A picture we took many years ago when I said to you we would. तो मैंने प्याज और टमाटर काट लिया है, अब बस उबलने की देरी हो रही है, जल्दी से बन जाए। मैं मिर्चा नहीं काटती क्योंकि मुझे मिर्चा एकदम नहीं पसंद, ना मैं मिर्चा मैगी में डालती हूँ ना पास्ता में ना ही पकौड़ी, क्योंकि एकदम नहीं अच्छा लगता तीखा, तीखा रहेगा तो खाना जहर है मेरे लिए, तो इसलिए मैं बस पास्ता बन चुका है, अभी इसको ले जाना है पेट के अंदर, तो हम पास्ता लेके चलते हैं, साथ में पानी ले लेते हैं और ऐसा भी बैठो पानी ले लेते हैं। और एक किचन बंद कर दें, रखते हैं ये सब बताते हैं।